Hey guys, my name is Virendra Singh. Welcome to the eLearnam platform. This is another video. So, इस particular video में हम basically rank prediction के ऊपर बात करने वाले हैं. It is again a predicted rank. मतलब इसका जरूरी नहीं है कि exact rank आपका इसी तरीके से आएगा. एक average rank आप predict कर सकते हैं कि आपका किस particular rank में अगर आपका marks है तो वो कितने आप rank पे जा सकते हैं. Although rank PhD के लिए बहुत ज़्यादा matter नहीं करता, यानी कि अगर आप 40 plus marks में हैं, मतलब अगर आपका rank 400 plus है, मतलब 400 के approx है, तो आप आराम से जो है ना कि normally अगर बात करें तो आराम से अच्छे colleges में admissions पा सकते हैं. तो normally अगर हम बात करें ऊपर देखने की कोशिश करेंगे तो अगर आपका marks जो है 35 to 40 के आसपास है, ठीक है, तो इसमें बायोटेक्नोलॉजी के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 700 से 1200 के आसपास रैंक मिलेगा. अगर आप लाइफ साइंस में यही चीज देखेंगे तो आपको देखेंगे कि ये करीब करीब 800 वन से 1300 के आसपास होगा. यही चीज अगर आप देखेंगे 40 टू 50 में तो करीब करीब 400 के आसपास रैंक आपका, अगर इसके बीच में मार्क है तो 400 के आसपास रैंक, 400-500 इसमें रेंज में आ जाएगा आपका रैंक. और उसी तरीके से आप देखेंगे तो लाइफ साइंस में भी है, ठीक है, ये रैंक के ऊपर बात हो रही है. स्कोर भी आपको ऑलमोस्ट इसी तरीके से बात की जाएगी. स्कोर्स भी आपका, स्कोर्स के ऊपर भी मैं बात करूंगा जब मैं बात करूंगा इसके नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे आप एडमिशन पा सकते हैं गेट स्कोर को लेके. एंड इसके अलावा 50 to 55 में 200 के आसपास आपकी रैंक आ जाएगी और करीब करीब 200 के आसपास एक्सेल में भी आ जाएगा. अगर आपका 55 प्लस है, 60 के इस रेंज में है, सो आप क्या करोगे कि नॉर्मली जो है वो करीब करीब 51 से 200 के आसपास रैंक में आ जाएगा. 60 टू 70 है तो आपका जो रैंक आएगा वो करीब करीब अंडर 50 रैंक आराम से आ सकता है, एंड मे बी सिंगल डिजिट रैंक भी हो सकता है. और अगर आप 70 प्लस स्कोर कर रहे हैं एक्सेल और बीटी में तो ऑलमोस्ट यू आर गोइंग टू क्रैक सिंगल डिजिट रैंक. आप आराम से सिंगल डिजिट रैंक की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है. सो आप इसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि इट इज अ जस्ट अ प्रिडिक्टेड रैंक. आप इसके थ्रू जा सकते हैं और एक अपना रैंक देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट कितना रैंक आपका आएगा. मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगा और ये बताऊंगा कि एग्जैक्टली आप जो है किस तरीके से कहते हैं कि एडमिशन पा सकते हैं आईटीज, एंड क्या करना होगा आपको और किस तरीके के इंटरव्यूज और रिटन टेस्ट वगैरह होते हैं, उस पर मैं बात करूंगा. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.